नमस्कार, 118 जेंटलमैन कैंडिडेट हुए पास। ओटीए के प्रांगण में 25वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। यह बिहार के गया में हुआ। बोध गया मुख्य सड़क मार्ग के पहाड़पुर गांव के समीप स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए के प्रांगण में 25वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी शामिल हुए, जहां उन्होंने परेड की सलामी ली। इस दौरान 118 जेंटलमैन कैंडिडेट को पास आउट हुए उनको प्रेरणा भी दिया। इस कार्यक्रम में जेंटलमैन कैंडिडेट के अभिभावक भी आए और काफ़ी जलवा बिटोरा है, माफ कीजिएगा, काफ़ी जलवा दिखाया है। कई सैन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान बिपनिंग सेरेमनी पर भी आयोजन किया गया, जहां जवानों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। वही अभिभावक द्वारा जेंटलमैन कैंडिडेट के कंधे पर बैच लगाकर खुशी मनाया गया। तस्वीर में भी आप देखेंगे तो कई जवानों के या तो कहे ऑफिसर के परिवार आए हैं और काफ़ी नाच गा रहे हैं। इस मौके पर उपस्थित होकर लोगों को संबोधित करते हुए सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि आज बड़ा गौरव का दिन है। 118 जेंटलमैन कैंडिडेट अंतिम पग रखकर सैन्य अधिकारी बने हैं। अब ये देश के विभिन्न सैन्य संस्थानों में जाकर अपनी सेवा देंगे। उन्होंने कहा कि जेंटलमैन कैंडिडेट को उनके उज्जवल भविष्य की हम बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि आप देश के नाज हैं, आप सैन्य संस्थानों को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ये हमारी कामना है। आप तस्वीर में भी देखेंगे तो ये पासिंग आउट परेड की तस्वीर है। ये आगे आपको बताया जाता है कि आपकी जीवन अनुशासन होनी चाहिए, देश के लिए हमेशा तैयार रहेंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। देश की गरिमा और एकता बनाए रखने के लिए आपकी भूमिका सराहनीय होगी। फिलहाल आप सुनिए लेफ्टिनेंट की बातें।
Deputy Governor, all the instructors and staff at the Officers Training Academy here, our parents and beneficiaries, distinguished here and also cadets of the passing of our course. I must also make special mention to the guests of all our officers today, Lieutenant P.C. Nair, our media sound rifle, and Lieutenant Gavaz, Commandant MCT. It's indeed an honor and a matter of great pride for me to lead you the passing out parade of the 43 technical entries team and 52 special commission officer corps who now stand on the threshold of their journey as commissioned officers of the Indian Army. This moment has triggered a chain of nostalgic memories for me, and I can therefore sense your pride and sentiments. My compliments to all of you for the immaculate turnout, as you are still prevailing and stirring this day of great today, which reflects the superlative standards of training at the Officers Training Academy. I also extend my felicitations to the Commandant, officers, instructors, and members of the faculty for their dedication, talent, and perseverance, and unwavering commitment in training. तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरा लाइफ का, मैं 2009 मैं यहीं गया से पढ़ाई किया हूँ। बेसिकली मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। मेरा ग्राम कोविल हुआ, और जो कि पुलिस स्टेशन इस्लामपुर और तहसील हिलसा में आता है। और मैंने 2009 में यहीं से भर्ती देखा था, और मैं आर्टिलरी में एज ए सर्वेयर भर्ती हुआ। उसके बाद फिर यही गया से मैं आज OTA के थ्रू, छठा अटैम्प्ट था मेरा SSB का। पहले मैंने NDA दिया, फिर SSC दिया, और फिर SCO का पहला अटैम्प्ट। और यहाँ से कमीशन लेने के बाद मैं 312 मीडियम रेजिमेंट में कमीशन हो रहा हूँ। काफ़ी खुशी की बात है मेरे लिए, और इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज पर माई पेरेंट, एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी रिगार्डिंग दिस। बैकग्राउंड मेरे पापा किसान हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। हम लोग भाई बहन में चार हैं, एक मैं अकेला भाई हूँ, और तीन बहन है मेरी। दो का शादी हो गया, एक अभी पढ़ाई कर रही है, और मेरी बीवी है और एक 2 साल की बच्ची है। मैम का नाम है मिस पूजा। मेरा लेफ्टिनेंट अविनाश कुमार। युवाओं को क्या प्रेरित देना चाहेंगे? जो इस समय युवाओं को यही बताना चाहेंगे कि लॉन्ग जर्नी रहता है। सक्सेस कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन में मिलता है। आपको कंटिन्यूसली प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपको कुछ नहीं मिल रहा है और तो कल आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये ज़िंदगी का रेस है, कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है, पर अगर आप लगे रहेंगे तो आप ज़रूर एक दिन सक्सेस, अपना जो डेडिकेशन के साथ, तो आपको सक्सेस मिलेगा। यही एक मैसेज है कि आप कंटिन्यूस प्रयत्न रहें। चंदौली से बिलोंग करता हूँ, एंड मेरे पापा एक सिविल गेटमैन है, एंड मैं और मेरे पापा ने 6 साल लखनऊ में ट्रेंट के रूम में रहे हैं और पढ़ाई करी है। और वहाँ से यहाँ पे मैं अकेला हूँ जिसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, और आई एम फ्रॉम UP बोर्ड। सो आई हैव डन माई स्कूलिंग इन विलेज टिल 7th क्लास, एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू लखनऊ विद माई फादर, एंड आई विल गिव ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माई फादर दैट ही डिड सो वेल, एंड ही इज़ द हीरो ऑफ माई सक्सेस। आप बोले कि हमारे पिताजी गेटमैन हैं और आप ही साथ उनके साथ कुछ वर्क किए हैं, मजदूरी किए हैं, पढ़ाई की आपके जी में किसने उठाया, इतनी आपने कड़ी सफलता की पढ़ाई के लिए, मेहनत की। मेरी सफलता का श्रेय मैं अपने पापा को देना चाहूँगा, जिन्होंने वहाँ रेंट के रूम में अपनी ड्यूटी भी की, और मम्मी पापा दोनों का काम किया एक साथ, और किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं होने दी। जो भी पढ़ाई की चीज़ें मांगता था मैं, सब कुछ टाइम पर मिल जाता था, और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पापा या फिर फैमिली में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो उन्होंने हर चीज़ को ऐसे मेरे सामने पेश किया ताकि मैं अपनी सफलता को आगे तैयारी कर सकूं, और ये आ जाए रिजल्ट। आज अपने अधिकारी बने हैं, आपके लिए गौरवान्वित कर देना, क्या श्रेय देना चाहेंगे युवाओं के लिए? मोटिवेशन मैं ये देना चाहूँगा संदेश की, बैकग्राउंड चाहे जैसा हो, आप चाहे जैसे हो, अगर आप में डिटर्मिनेशन है, वो करने का जुनून है, तो कुछ भी हो
आप कर ही लेते हो। कहते हैं ना कि कमल कीचड़ में खिलता है, तो यही होता है कि आप चाहे जितना हो ख़राब बैकग्राउंड या अच्छे बैकग्राउंड से हो, अगर आप कुछ करना चाहें तो ज़रूर ही हो सकता है। वो बस डिटर्मिनेशन और करेज चाहिए और चीज़ को कंटिन्यू रखने की क्षमता। बहुत लोग होते हैं जो बीच में भी छोड़ देते हैं, कई मतलब अपनी तैयारी की राह में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब लोग छोड़ देते हैं। मैं यही कहूँगा कि बस जाते रहो, ज़्यादा दुख आए तो एक बार सिर झुकाओ, भगवान को प्रणाम करो, फैमिली को याद करो और आगे बढ़ो। आपके फैमिली भी आए हैं? हाँ, फैमिली। क्या नाम कहाँ से है? आदर्श कुमार, आई एम फ्रॉम लखनऊ। जय हिंद, आई एम जतिन मुखिया एंड आई एम फ्रॉम चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश एंड आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम लिटिल सिस्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिग बॉय एंड टुडे इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी आफ्टर डूइंग 4 years ऑफ ट्रेनिंग, 1 इन OTA गया एंड 3 years ऑफ ट्रेनिंग इन करेज ट्रेनिंग विंग माऊ एंड टुडे इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग एंड डिस्पाइट ऑफ टफ ट्रेनिंग, लॉन्ग नाइट्स एंड टफ डेज, थोड़ी बूसेस, टुडे इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी डेट आई कुड ब्रिंग स्माइल माई पेरेंट्स फेस आफ्टर डूइंग सच ट्रेनिंग एंड माई पेरेंट्स आर ऑल हियर एंड दे आर हियर टू सी माई पीपिंग सेरेमनी। योर नेम? माई नेम इज जतिन मुखिया। क्या नाम हुआ? मैं लेफ्टिनेंट सचिन दुल्लट, आज कोर ऑफ आर्टिलरी रेजिमेंट में सेलेक्ट हुआ हूँ। मैं इससे पहले EME के अंदर 17 साल की सर्विस दे चुका हूँ। काफ़ी अथक प्रयास के बाद 6th attempt में मैं स्पेशल कमीशन ऑफिसर में सिलेक्ट हुआ हूँ। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, गुरुजन तथा मेरे साथियों को देता हूँ। उसके साथ ही यहाँ पे जो हमारे शिक्षकगण रहे, जिन्होंने 1 साल तक हमें भरपूर तरीके से ट्रेनिंग दी, उनके लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज वो दिन आ चुका है जो मैंने सपना 17 साल पहले देखा था, यही वो आज दिन है जिस दिन मेरा सपना पूरा हो रहा है। गया OTA ने आज आपका सपना पूरा किया, क्या कहना चाहेंगे गया OTA के बारे में? सबसे पहले गया OTA को मैं कहना चाहूँगा ये महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है। महात्मा बुद्ध जहाँ पे उनकी जन्मस्थली है, जहाँ पे काफ़ी लोग बाहर से आते हैं, और ये जो गया OTA है यहाँ पे जो इसने हमें 1 साल का प्रशिक्षण दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सही सलामत आज हमें 1 साल के प्रशिक्षण के बाद हमें भारतीय सेना के अंदर एक अधिकारी के रूप में चयनित होने का मौका दिया है। सफ़र कैसा रहा इस मुकाम पाने के लिए? इस मुकाम को पाने के लिए सफ़र आसान नहीं रहा है, कभी हार हुई, कभी जीत हुई, अप एंड डाउन चलते रहे और लास्ट में 6th attempt में मैं अपनी सफलता को पा सका। क्या नाम है? क्या परिचय हुआ? मेरा नाम लेफ्टिनेंट सचिन दुल्लट, मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता हूँ। मैं अपने बचपन में सैनिक स्कूल ज्वाइन किया था 6th standard में और 12th तक उधर ही मेरा स्कूलिंग किया। मेरा स्कूलिंग के बाद मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया ज्वाइन किया मेरे 4 साल ट्रेनिंग के लिए, और उस समय मेरा पहला साल बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए मैं OTA गया में किया, और उसके बाद 3 साल के लिए मैं कैडेट्स ट्रेनिंग विंग सिकंदराबाद गया। ट्रेनिंग के दौरान मैं कठिन दिन और बहुत दिक्कत देखा, पर यही दिक्कत मुझे और मजबूत किया और ट्रेनिंग को पूरा शिद्दत से ख़त्म किया। ट्रेनिंग के दौरान मुझे गोल्ड मेडल और सॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला। बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा पापा फौजी में थे, मेरा पापा 33 साल के लिए इंडियन आर्मी में सर्व किए थे। मेरा पापा 17 मद्रास रेजिमेंट से हैं, वो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट सुबेदार मेजर बी देवराज है। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं मेरे पापा के यूनिट में जा रहा हूँ, वो है द फेमस कतरास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बटालियन अंडर ऑफिसर डी सुभाष है।